रईस अहमद ने 2013 में 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया और 2015 में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में भी दाखिल हो गया, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद आज उसे बोर्ड हुकाम कह रहे हैं कि उसने 10वीं जमात का इम्तिहान अभी पास ही नहीं किया है, जिसकी वजह से रईस अहमद को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके घर वाले भी इस चीज़ की वजह से बहुत परेशान है। टेंथ पास कर्म ज़ुहस मज पास कर्म ज़दहस मे पी यू सी वह कर्म ज़ंदह मे टी डी सी एग्जाम तुम टी डी सी आज गोस बहुत डी ओ बी सर्टिफिकेट अन्नि बी पी यू सी मार्क्स कार्ड अन्नि आज दिन ऐसे किताब रिपेयर वन बह गो सकूलस पे तमो दौर वो डी ओ बी सर्टिफिकेट कह वो तुम बोर्डस पे कलग बोर्डस पे कलगाम बोर्ड वालों तमो वो दी किताब रिपेयर तो तुम्हें वो पी कह मार्क्स कार्डस पे पास तथा पे रिजल्ट क्वालिफाइड हाथ गैजटस पे पास हाथ सर ग मोन मसल ग हल आज कित बने मे त्रे वे ऐसे किताब रिपेयर अगर मे ये दिन आसा कूनमुत मे आ हल कम मसल पास तो वह आज दपान सो रिपेल किताब आज गई त्रे वरी क्या वन रिजि खेवान रन कर आप ग बुजत तालीम के आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि रईस अहमद का ये मसला फिलफोर हल किया जाए। आप भी इस मसले को हल करने के लिए सामने आ सकते हैं और हमारे स्क्रीन पर दिए हुए इन नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जिला कुलगाम से कश्मीर अनहर्ड के लिए मैं सज्जाद शाह।